बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि भाई जैसा कि आपको पता है, आपके साथ मैं पहले ही न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ। शाह सलमान की तरफ से रात को ये भाई अनाउंसमेंट कर दी गई थी तमाम तर छुट्टी गए हुए भाइयों के लिए, जिनके वहाँ पर इकामे खत्म हो रखे थे, छुट्टी खत्म हो रखी थी, विजिट वीज़ा वाले, फैमिली वीज़ा वाले, खुरूज उदा वाले तमाम तर बंदों को भाई 8वें माह की 31 तारीख तक, यानी कि अगस्त की 31 तारीख तक भाई छूट दे, उनके मुद्दत यानी कि इकामा वगैरह की छुट्टी वगैरह की बढ़ा दी गई थी। यानी कि एक माह सिर्फ, सिंपल बात है, आपको भाइयों को और दे दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि एक माह की मुद्दत आपकी और बढ़ाई जाती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल फ्लैट्स अभी नहीं खोली जा रही हैं इस माह में, 7वें माह में। तो बात करूंगा इसी के ऊपर कि अगर तो आप भाई वेट करते हैं, यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में फ्लाइट्स ओपन होती हैं तो आप सऊदी अरेबिया में आ सकेंगे और वेट कर सकते हैं अगर आप, तो अगर नहीं तो कुछ बंदे मुझ को, अभी एक बंदे का फोन आया, वो भी मुझको बोल रहा है कि शायद इस साल में, पूरे साल में फ्लाइट्स ओपन ना हो। तो भाई अगर आपका जहन ऐसा है या अगर आप सऊदी अरेबिया में जल्दी आना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक भाई सीधा साफ सा हल है। जवाजात ने खुद ये बताया है हम सब भाइयों को। यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको वो ट्वीट दिखा भी रखा हूं जिसमें आप देख सकते हैं भाई कि डायरेक्ट इंट्री 9 कंट्रीज लिखा हुआ है कि इन 9 ममालिक से आप सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। जी मेरे भाई, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया है, जी जिन 9 ममालिक की फ्लाइट्स बंद हैं, सिंपल सी बात है, उनका जिक्र किया गया है, उनसे आप डायरेक्ट सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन किसी भी ऐसे दूसरे मुल्क से सऊदी अरेबिया में आप आ सकते हैं जिसकी इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी अरेबिया के खुली हुई हैं। यानी कि आप पाकिस्तान से भाई किसी भी ऐसे मुल्क का सफर करते हैं जिसकी फ्लाइट सऊदी अरेबिया के लिए ओपन हो, वहां पर आपको 14 दिन का या 7 दिन का या 10 दिन का उस मुल्क के, उस कंट्री के मुताबिक जो उनकी भाई कंटाइन वगैरह की लिमिट होगी उसको पूरा करना होगा। बस उतने दिन आप वहां पर स्टे करेंगे, उसके बाद आप भाई सऊदी, जैसा कि अफगानिस्तान से आप आते रहे हैं, पहले बहरीन वगैरह से, दुबई वगैरह से बंदे आते रहे हैं, वो तमाम तर बंदे ऐसे ही भाई आप वाए के साथ सऊदी अरेबिया में अभी भी आ सकते हैं। और एक मेरा भाई अभी मुझको बता रखा था कि उसके गाँव के कुछ 2-3 अफराद भाई कीनिया मुल्क, आपने सुना होगा, कीनिया के थ्रू सऊदी अरेबिया में पहुंच चुके हैं, वहां पर भी उन लोगों ने 14 दिन का स्टे किया था। तो भाई इस तरीके से आप सऊदी अरेबिया में अभी भी आ पा सकते हैं अगर आपको भाई जल्दी आना है या आपको कोई डाउट है कि हो सकता है फ्लाइट्स ना खुले। लेकिन अगर एक माह की मुद्दत के लिए इकामे बढ़ाए गए हैं तो सिंपल सी बात है जी, इंशाल्लाह ताला मुझे भी पूरी उम्मीद है कि अगस्त में सऊदी अरेबिया अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जरूर खोलेगा।